जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, मुठभेड़ जारी। झारखंड में आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोपों पर ईडी की रेड, सीनियर आईएएस विनय चौबे समेत कई अधिकारियों के घर पर सर्च। पीएम मोदी आज शुरू करेंगे 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना, 5 लाख तक मिलेगा मुफ्त इलाज, 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी, कहा एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प। महाराष्ट्र में आज नामांकन का आखिरी दिन, अब तक 4,426 लोगों ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने 13 और उम्मीदवार किए घोषित, बीजेपी की शायना एनसी को मुंबा देवी से दिया टिकट। टिकट कटने से शिंदे गुट के विधायक श्रीनिवास वनगा ने सुसाइड की दी धमकी, पत्नी बोली उद्धव ठाकरे भगवान थे लेकिन एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। संभाजी नगर सेंट्रल से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार के नाम लिया वापस, शिंदे गुट को समर्थन का ऐलान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नॉमिनेशन से पहले घर पर की पूजा और कमथी विधानसभा सीट से हैं उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने की मांग पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, बीजेपी विधायकों की है याचिका। पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। झारखंड से दूध के क्रेट में छिपाकर लाई जा रही थी शराब, बिहार के नवादा में जब्त, जांच जारी। शराबबंदी के बावजूद बिहार के मोतिहारी में आरपीएफ इंस्पेक्टर के घर से 22 बोतल विदेशी शराब बरामद, आरोपी इंस्पेक्टर से पूछताछ जारी। केरल में कासरगोड के मंदिर में बड़ा हादसा, पटाखों से लगी आग में 100 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हैदराबाद के याकूतपुरा में एक घर में पटाखे से लगी आग, 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के बहराइच हिंसा में बड़ा एक्शन, 2 थानों के 29 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 58 सिपाहियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप पर हमला, धमाके के बाद पेट्रोल पंप मालिक को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, 5 करोड़ फिरौती की मांग की। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में झील के पास सेल्फी लेते समय चट्टानों के बीच गिरी युवती, 12 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाला गया। यूपी के संभल में निकाह के बाद छुआरे लूटने को लेकर बारातियों और लड़की पक्ष में चली कुर्सियां, जमकर चले लात घुसे, वीडियो वायरल। दिल्ली में कल के मुकाबले आज हवा की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई, 300 से नीचे आया AQI। भारत चीन के बीच LAC पर डिस इंगेजमेंट की प्रक्रिया आज हो जाएगी पूरी, सेना के सूत्रों ने दी जानकारी। चुनाव से 8 दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने किया मतदान, प्री वोटिंग में बाइडेन ने लिया हिस्सा। व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति बाइडेन बोले मेरी पत्नी भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी लेकिन वो कहीं और जा रही। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा दिवाली का वीडियो संदेश, कहा इस साल पृथ्वी से 260 मील ऊपर दिवाली मनाने का अवसर मिला। ईरान पर इजरायली हमले के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट, हमले के बाद 5% गिरी कच्चे तेल की कीमत।